मुझे एक शेर याद पड़ता है अजमल सिद्दीकी साहब का, कि इन्हीं की वजह से है इम्तियाज़े रोज़ो शब, इन्हीं की वजह से है इम्तियाज़े रोज़ो शब, यही दीवाने तो रातों को काला करते हैं। तमाम दीवाने मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं सबसे पहले दावते कलाम देता हूँ जनाब अंकुर रस्तोगी जी को कि वो मंच पर आएंगे, और समय का विशेष ध्यान रखने की घोषणा करना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी मैं कर गया हूँ। तो अंकुर रस्तोगी जी का स्वागत करेंगे। अंकुर रस्तोगी, बहुत शुक्रिया तरकशी। हाजरीन आदाब, दो शेर से बात शुरू करता हूँ। माना कि हम सारा जहान छोड़ आए हैं, माना कि हम सारा जहान छोड़ आए हैं, छूटा न हमसे ये गुमान छोड़ आए हैं। माना कि हम सारा जहान छोड़ आए हैं, छूटा न हमसे ये गुमान छोड़ आए हैं। अब भी गिरफ्त दस्त हैं उसी की उंगलियां, अब भी गिरफ्त दस्त हैं उसी की उंगलियां, रस्सी जलाई पर गठान छोड़ आए हैं। दो शेर। मोहब्बत आखिरी मंजिल है जाना, मोहब्बत आखिरी मंजिल है जाना, गजब तो ये कि रास्ता भी यही है। मोहब्बत आखिरी मंजिल, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आखिरी मंजिल है जाना, गजब तो ये कि रास्ता भी यही है। मैं हूं क्या कुछ भी तय करने के लायक, मैं हूं क्या कुछ भी तय करने के लायक, मुझे तय करना मसला भी यही है। मैं हूं क्या कुछ भी तय करने के लायक। एक छोटी सी गजल। साथ में रहबर के सरमाया नहीं होता कभी, साथ में रहबर के सरमाया नहीं होता कभी, लौ चरागा देखना साया नहीं होता कभी। साथ में रहबर के सरमाया नहीं होता कभी, लौ चरागा देखना साया नहीं होता कभी। और इस कदर पोशीदा रखा तेरे कूचे का पता, इस कदर पोशीदा रखा तेरे कूचे का पता, साथ में खुद को भी मैं लाया नहीं होता कभी। इस कदर पोशीदा रखा तेरे कूचे का पता, साथ में खुद को भी मैं लाया नहीं होता कभी। शेर देखिए। गुल उनस्तर जो मिले ये सोच वैसी बन गई, गुल उनस्तर जो मिले ये सोच वैसी बन गई, दिल पर आकर जो लगे जाया नहीं होता कभी, दिल पर आकर जो लगे जाया नहीं होता कभी। शेर देखिए कि अर्ज क्या है कि फूल फूल तितली रुई मखमल, फूल तितली रुई मखमल, पुरकशिश ये लम्स थे, फूल तितली रुई मखमल, पुरकशिश ये लम्स थे, हाथ में गर हाथ वो आया नहीं होता कभी, हाथ में गर हाथ वो आया नहीं होता कभी। और उम्र भर हम सोचते वो दर्द दिल में था अगर, उम्र भर हम सोचते वो दर्द दिल में था अगर, आपने वो जख्म दिखलाया नहीं होता कभी। तो उम्र भर हम सोचते वो दर्द दिल में था अगर, आपने वो जख्म दिखलाया नहीं होता कभी। अच्छा, ठीक, अच्छा जी, शुक्रिया।